स्वागत नहीं करोगे? प्रधानमंत्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताऊंगा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। देखिए, अगर आप लोग को फेसबुक से नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच करता है आधार कार्ड से और पैन कार्ड से, तो आपको यहां से सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप लोग बात को समझते नहीं हैं और जल्दीबाजी के चक्कर में जो मन में आता है वो आपको कर देते हैं। लेकिन आपको सही से रूल फॉलो करना है। देखिए, अगर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच करता है तो आप आसानी से सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कैसे करते हैं सॉल्व, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक से रिलेटेड काफी सारा अपडेट मिलता रहता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं आरके हेल्प्स टू में। तो सबसे पहले आज मैं आप लोग को बताऊंगा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए मैं चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए मैं चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे। मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया हूँ। अगर आप लोग को सिक्योरिटी की प्रॉब्लम चल रहा है लेकिन किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले आपको ओपन करने के लिए प्ले स्टोर में चले जाना है। यहाँ से आपको सर्च कर लेना है फेसबुक। फेसबुक सर्च कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सीधे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल दिए हैं, सीधे आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से लॉगिन हो जाने के बाद आपको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बता रहा होगा, लेकिन कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग को इस वीडियो में एंड तक बन रही है। देखिए, अगर आप लोग को इस तरह से काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आपको देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको आ रहा होगा, कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है और एक ऑप्शन आ रहा है यूज लॉगिन कोड का। मतलब आपको पास कोड का ऑप्शन है, कोड पहले से किए हुए हैं, मतलब मोबाइल नंबर पे आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे कोड डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ से कोड डाल के अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह करने के बाद आपको ये वाला लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे यूज लॉगिन कोड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि थंबनेल में लगा सकें। देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा, कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको लॉगिन कोड आ गया है तो लॉगिन कोड डाल के कंटिन्यू कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पे यूज सिक्योरिटी की लॉक लगाए हैं तो सिक्योरिटी की लॉक यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोड दोबारा भेजकर अपना पा सकते हैं तो भेज सकते हैं। अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं है, आप लोग कुछ भी नहीं किए हैं, इसमें कोड नहीं यूज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए थर्ड वाला लाइन पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, तीसरे वाला लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। तो सबसे पहले हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक जीमेल डालना होगा जो आपको फेसबुक में ऐड होना चाहिए, अन्यथा अगर आपको फेसबुक में ऐड नहीं है तो कोई एक दूसरा जीमेल डाल लीजिए, लेकिन उसमें जीमेल फोन में लॉगिन होना चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन फेसबुक के द्वारा जल्दी ही मिल सके। तो चलिए यहाँ पे जीमेल डाल लेते हैं। यहाँ पे जीमेल डाल दिया हूँ। जीमेल डाल देने के बाद सीधे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट में आपको ऑप्शन आ रहा होगा पासवर्ड का, सेकंड में आपको ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी लाइसेंस का, थर्ड में आपको ऑप्शन आ रहा है नेशनल आईडी कार्ड का। तो सबसे पहले नेशनल आईडी कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको देखिए गेट स्टार्ट वाला आइकन दिख रहा होगा, तो चलिए इस वाला आइकन में क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे गेट स्टार्ट वाला आइकन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद ब्राउजर सेटिंग में आपको कैमरा ऑन करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए कैमरा ऑन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे परमिशन अलाउ कर दिया हूँ। परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ से आपको आधार का सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट वाला आइकन दिख रहा होगा। सबमिट वाला आइकन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको कुछ इस तरह से आ जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से आधार कार्ड सबमिट करने के बाद आपको यहाँ से 24 घंटे का वेट करना है। 24 घंटे के बाद आपको ऑटोमेटिक के लिए फेसबुक लॉगिन हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 24 घंटे का टाइम लिया है, तो आप लोग 24 घंटा वेट कीजिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 101%। आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो नहीं समझ में आया तो शुरू से एंड तक वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये आपका प्रॉब्लम है। अगर आप लोग सही से रूल फॉलो नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा। लेकिन आपको उसके लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड से नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए। अगर आपको मैच करता है तो आसानी से रिकवर हो जाएगा, लेकिन आपको मैच नहीं करेगा तो आपको रिकवर होने वाला नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप लोग शुरू से एंड तक वीडियो देख लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक से रिलेटेड काफ़ी सारा अपडेट मिलता रहता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है